क्वेश्चन है, अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 0.01 केजी पर मीटर केप्ट अंडर अ टेंशन ऑफ 49 न्यूटन. द फोक प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 0.50 मिलीमीटर ऑन द स्ट्रिंग. ए फाइंड द वेव स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. एक एक करके करते हैं पार्ट्स को. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 हर्ट्ज, ठीक है. उसे अटैच कर रखा है एक लॉन्ग स्ट्रिंग जिसका लीनियर मास है कितना 0.01 केजी पर मीटर, ठीक है. और उसे कितना टेंशन में रखा है, उसके अंदर टेंशन कितना 49 न्यूटन का. अब जो स्ट्रिंग है, जो फोर्क है, वो कितनी एक वेव प्रोड्यूस कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है. इतना वो प्रोड्यूस कर रही है एक वेव. अब हमें क्या बताना है, हमें वेव का स्पीड बताना और वेवलेंथ बतानी है वेव्स की, ठीक है. तो ए पार्ट करते हैं, स्पीड और वेवलेंथ. तो स्पीड कैसे निकलेगी, टेंशन अपॉन म्यू. टेंशन हमें बोल रखा है 49 है और म्यू हमें निकालना पड़ेगा, सॉरी म्यू तो गिवन है 0.01 सॉरी. तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी कुछ 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी. अब देखते हैं वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है, देखो वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम से. अब ये वेव जो डिस्टेंस है, ये एक साइकिल का डिस्टेंस है. जब एक साइकिल कंप्लीट होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं. तो टाइम भी हम एक साइकिल जितना ही लेंगे, ठीक है. तो एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी. मतलब जितना एक साइकिल में जितनी वो हो जाए, एक साइकिल जितना चलता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ये स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं हम इसे, टाइम को 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 70/440, ठीक है. तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.159, इसको 15.9 सेंटीमीटर. और अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कि जो हमारा लैम्डा है अप्रॉक्सीमेटली 16 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास वेवलेंथ में, ठीक है. अब देखते हैं बी पार्ट. बी पार्ट क्या बोल रहा है, बी पार्ट कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग. हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन निकालना. तो स्पीड हमारा क्या होता है, पार्टिकल के लिए बोल रहा है वो. तो पार्टिकल के लिए स्पीड हमारा क्या होगा, ए ओमेगा, ठीक है. तो ए हमारा कितना है, 0.5 × ओमेगा क्या है, 0.5 × 10⁻³ ओमेगा क्या होगा, 2π न्यू, ठीक है. वैल्यू पुट करते हैं, 0.5 × 10⁻³ × 2 × 3.14 × 440, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आएगी 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो ये तो आ गई वेलोसिटी. अब क्या निकालना हमें, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. अब इन दोनों के फॉर्मूला में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें एक ओमेगा एक्स्ट्रा. तो इसी आंसर में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर. इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें एक ओमेगा एक्स्ट्रा है, तो इसका जो आंसर है उसमें एक ओमेगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1.4 × ओमेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.4 × 2 × 3.14 × 440. तो एक्सेलरेशन का आंसर हमारा आएगा सॉल्व करके 3868 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है. अब देखते हैं सी पार्ट. सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है कि एट व्हाट एवरेज रेट इज द ट्यूनिंग फोक ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू द स्ट्रिंग, ठीक है. तो हमें बोल रहा है कि रेट, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिटिंग एनर्जी, यानी कि
चेंज इन एनर्जी पर चेंज इन टाइम, ठीक है। रेट बोल दिया तो वहाँ पे टाइम आ जाता है, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटिंग, यानी कि जितना जितना चेंज आता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो पावर पूछ रहा है, एवरेज पावर, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट करनी है, तो 1/2 इंटू 0.01 इंटू 70, और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए के बारे में लिख देते हैं, ए होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए क्या है, 0.5 इंटू 10^-3, और जाएगा 2 × 3.14 इंटू 440 इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज पावर कितना आएगा, यह आ जाएगा 0.67 वॉट, ठीक है। यह आ गया हमारा सी पार्ट भी। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।